और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आज कानपुर देहात के दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। पूर्व प्रदेश सचिव स्वर्गीय मुन्ना लाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। कानपुर देहात से इस्तीफा भी जाएंगे अखिलेश यादव। निकाय चुनाव को लेकर शिवपाल यादव के साथ बैठक करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। आगामी चुनावों को लेकर दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा, जहां पर मुन्ना लाल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। 1 बजे के कार्यक्रम, निकाय चुनाव को लेकर शिवपाल यादव के साथ बैठक भी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बाद इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहने वाले हैं और आगे आगामी चुनावों को लेकर के यहाँ मंथन किया जाएगा, रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। तो स्वर्गीय मुन्ना लाल की प्रतिमा का अनावरण आज अखिलेश यादव करने वाले हैं। कानपुर देहात के दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा। प्रदेश सचिव, जो कि पूर्व प्रदेश सचिव है, स्वर्गीय मुन्नालाल प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा दोपहर 1 बजे। इसके बाद बैठक करने वाले अखिलेश यादव, इस बैठक में शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे, तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति, नगर निकाय चुनाव को लेकर मंथन यहां पर किया जाना है। तो कानपुर देहात से सैफई भी जाने वाले हैं अखिलेश यादव। अग्र करते हैं प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। चौक इलाके के नेहरू कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। नेहरू कॉम्प्लेक्स में कपड़े और अन्य सामान की दुकानें यहां पर है, लेकिन अचानक से भीषण आग यहां पर लग गई है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है पहुंची और आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। कहा यहां पर तकरीबन कपड़े की दुकानें हैं और साथ ही अन्य दुकानें भी यहां पर है, लेकिन अचानक से यहां पर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट, इसके पीछे वजह बताई जा रही है। चौक इलाके के नेहरू कॉम्प्लेक्स में ये भीषण आग यहां पर लगी है। दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद है और आग को बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं आग लगने के बाद उठ रही है। मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, अचानक से यहाँ पर आग लग जाती है, नेहरू कॉम्प्लेक्स की तस्वीर सामने आ रही है, अभी क्या तस्वीर वहाँ पर है आग बुझाने को लेकर? देखिए, अभी आग को पूरी तरह बुझाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है, आग बुझाने के काम में लगातार लगी हुई है। दूसरी तरफ मौसम से जो है, जो सरकारी अमला है उसको मदद मिल रही है, क्योंकि प्रयागराज में रात से ही बारिश हो रही है। कभी तेज बारिश होती है, कभी रिमझिम फुहार पड़ती है, तो इस वजह से जो आग है वो बढ़ नहीं पा रही है पाई जो है, और वक्त रहते उसको काबू में कर लिया गया है। हालांकि जो आशंका है इस बात की है कि अभी आग को पूरी तरह बुझा पाने में, पूरी तरह काबू कर लेने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त और लग सकता है। ये प्रयागराज के चौक इलाके का नेहरू कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कपड़ों की, बाकी चीजों की तमाम दुकानें हैं। तकरीबन 50 से दुकानें, ज्यादा दुकानें हैं। आग किस वजह से लगी है अभी तो ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि सुबह का वक्त होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई, नहीं तो दिन के वक्त जो पूरा चौक इलाका है वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि 2 पहिया और 3 पहिया वाहन भी मुश्किल से जा पाते हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का जा पाना बहुत मुश्किल होता। ये भी बताइएगा कि क्या किसी तरीके की जान हानि तो नहीं हुई है? नहीं, अभी तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन तकरीबन 1 दर्जन दुकानें ऐसी हैं जो कि आग की चपेट में आई हैं। वहां जो रखा हुआ सामान है वो धू धू करके जल रहा है, और कितना नुकसान हो पाया है फिलहाल, जब आग पूरी तरह बुझा ली जाएगी, लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल हो पाएंगे, उसके बाद ही उसका अनुमान लगाया जा सकेगा। लेकिन ये रेजिडेंशियल, ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा खबर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।